हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एग्जांपल नंबर 7 आपके लिए लेकर आए हैं। ये एग्जांपल आपको आरएस अग्रवाल के पेज नंबर 22 पर मिल जाएगा। क्या है एग्जांपल? फाइंड टू रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं और फिर हमें उन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे इस एग्जांपल को, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो दो आपको आप नंबर दे के रखे हैं, सबसे पहला नंबर है 0.34344 3444 3443 कुछ इस तरीके से है, और जो दूसरा नंबर आपको दे के रखा है वो है 0.36 3666 3666 3663 कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर ही, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों नंबर इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग नंबर हैं। हमें पता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर नॉन रिपीटिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और ये दोनों नंबर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इरेशनल नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं और फिर उन्हें पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है। ये भी बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे जैसे आप बचपन में अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते आए हो कि 3 और 5 के बीच में अगर आपको एक नंबर इंसर्ट करना है तो वो होता है 4। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ये जो आपको पहला नंबर दे के रखा है, अगर हम इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिख दें तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि ये 0.344 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसे और इजी फॉर्म में लिख दें, मेरा कहने का मतलब है हम इसे राउंड ऑफ करके लिख दें, तो क्या हम इसको 0.364 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने इन्हें राउंड ऑफ करके लिख दिया है, ठीक है। अभी मैं एक मेथड और बताऊंगा, दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आप 0.344 और 0.364 के बीच में क्या दो रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। दो क्या हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो अगर हम अज्यूम करें कि एक नंबर हम 0.345 लिख दें, ये भी तो एक रैशनल नंबर ही हुआ, तो वो भी ग्रेटर है इससे और स्मॉलर है इससे, मतलब कि ये जो 0.345 है ये लाई करेगा इस नंबर और इस नंबर के बीच में। दूसरा नंबर हम और एक क्या लिख सकते हैं, 0.346 लिख सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है जो कि 0.344 और 0.364 के बीच में लाई करेगा। तो इस मेथड का यूज करके हमने ये दो नंबर्स इंसर्ट कर लिए हैं, एक नंबर है हमारा 0.345 और दूसरा नंबर है 0.346। अब हमें इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है क्योंकि अभी ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इस डेसिमल को हटा देंगे, जब डेसिमल हटाएंगे तो 345 अपॉन हम लिख देंगे 1000। हमें पता है कि जब आप डेसिमल हटाते हो तो जितने भी डिजिट डेसिमल के राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं उतने ही 10 के मल्टीपल हम डिवाइड कर देते हैं नंबर से, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है, तो ये आपका नंबर क्या हो गया, 345 अपॉन 1000। इसको और सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए आप 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, 5 6 30, 5 9 45, और ये हो गया 200, ठीक है। तो आप 0.345 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 69 अपॉन 200। यही हमारा पहला रैशनल नंबर था बिटवीन 0.34344 3444 एंड 0.36366366। अब इस नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर वाला कन्वर्ट किया है, 346 अपॉन 1000। अब आप इसे और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 0.346 का पी अपॉन क्यू फॉर्म हो जाएगा या सिंपल फॉर्म हो जाएगा 173 अपॉन 500, ठीक है। और ये भी लाई करेगा बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर, ठीक है। तो ये एक मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा या फिर आप इस मेथड को फिर से स्टार्टिंग से एक बार देखिए, आपको
डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ कि हम और क्या मेथड यूज करके दो नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, इस नंबर और इस नंबर के बीच में दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने का। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका नंबर है ये 0.343443444343 कुछ इस तरीके से है, और ये वाला नंबर क्या है 0.363663666663 इस तरीके से है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 0.34 दिया है और यहाँ पे 0.36 दिया है, मतलब क्या है कि 0.34 और 0.36 के बीच में आपको दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 0.35 ले लेंगे, ये पहला हो गया। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, 0.351 लिख सकते हैं, ये दूसरा हो गया। इसी तरीके से आप और भी इंसर्ट कर सकते हो, बस आपको क्या ध्यान रखना है, पहली दो डिजिट को ध्यान रखना है और इन दोनों डिजिट के बीच में जो नंबर आपको याद आ रहे हैं, जो दिमाग में आ रहे हैं, वो लिख देने हैं। जैसे कि 0.35 इज ग्रेटर देन 0.34 एंड इज लेस देन 0.36, इट मीन्स 0.35 लाइज बिटवीन 0.34 एंड 0.36। सिमिलरली 0.351 इज ग्रेटर देन 0.34 एंड इज लेस देन 0.36, इट मीन्स दिस नंबर लाइज बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। ठीक है, तो ये तरीका दूसरा था दो नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर इंसर्ट करने का। अब हमें क्या करना है, इन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 35/100, 5 7 35, 5 2 10, तो 7/20 हो गया पहला नंबर बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर, और 0.351 अब डेसिमल हटाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अगर ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 351/1000। तो ये रहा दूसरा नंबर जो कि लाई करता है बिटवीन 0.34 एंड 0.36। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको समझ आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।